हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल दिस इज़ रमेश सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू आई एस एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन व्हिच इज़ आउट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रम्स ट्वेंटी तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेबर के महीने में हमेशा नोटिफिकेशन आती है इस बार नोटिफिकेशन कुछ जल्दी आ गई है वैसे टू फिफ्टीन फाइव के आसपास आती है बट दिस टाइम नोटिफिकेशन थोड़ी पहले आ चुकी है तो होप्स हो कि आप लोग की तैयारी चल रही हो बहुत सारे लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत लॉन्ग अटैम्प्ट ऑलरेडी पहले दे भी चुके होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू दैम ध्यान से अपना फॉर्म भरें और ध्यान ये रखना है कि फॉर्म भरते समय कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान आपने रखनी है वैसे तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो देर हैज़ बीन अव्यूज इंक्रीज इन दी सीट्स ऑफ एलिगेशन ऑफ सीट्स इन दी इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इससे पहले सडनली अचानक से 300 सीट्स 250 300 सीट्स प्लस हो गई है सिविल सर्विस एग्जामेश फॉर द ऑफ आई एस आई पी एस एंड फॉरन सर्विसेज एंड रेवेन्यू सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज की फॉरेस्ट सर्विसेज की बेसिकली एलेवन हंड्रेड फाइव फॉर ये सिविल सर्विसेज के लिए और वन जीरो फाइव सॉरी वन फिफ्टी फिफ्टी सीट्स फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हैं। कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को पता ही किया जाता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस मैं आपको बताऊंगा वो आपने ध्यान रखना है जैसे कि ट्वेंटी फर्स्ट फेबर इज द लास्ट डेट ऑफ दिसम ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रवरी इज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्म फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रवरी ठीक है और फॉर्म फर्स्ट स्टेज में फिल करने के बाद तो उसकी टाइमिंग 22 से 28 तारीख तक है ट्वेंटी एट सात दिन 21 तारीख के बाद सात दिन आपके पास है कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपने कुछ चेंजेस करने ठीक है अट्ठाईस तो, तारीख के बाद फिर ये नहीं होगा और उसके बाद कुछ गाइडलाइन जो यूपीएससी प्रोवाइड करती है ठीक है लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन ट्वेंटी फर्स्ट फेब्ररी है ये ध्यान रखना है ट्वेंटी फर्स्ट फेबर शाम छह बजे तक ठीक है और कुछ इंपॉर्टेंट बात जैसे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देखते हैं कि वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है फिर फरिस्टेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स मोबाइल फोन ये सारी चीजें हॉल के अंदर जो चीजें बैंड की गई हैं दीज आर माइनर इंफॉर्मेशन जो लगभग सबको मालूम होता ही है ठीक है बस कौन से कौन से पोस्ट हैं सर्विसेज हैं यह आप यहां पे देख सकते हैं और किसके 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 ग्रुप ए सर्विसेज में कौन से कौन से हैं ठीक फिर ग्रुप बी सर्विसेज फिर कार्डर है का टोटल देन हंड्रेड फाइव सीट्स जिसके लिए थर्टी सेवन सीट्स रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी दैट इज सात ये बाइफर के क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होनी है वो है टोटल थर्टी सेवन सीट से तो दीज आर माइनर इंफॉर्मेशन जो हर साल आप लोगों को मालूम होता ही है क्या है नहीं है ठीक है नोटिफिकेशन तो आ गई है बाहर कुछ कुछ चीज़ें जो कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे थे कि सर फॉर्म हमने फिल करी है तो फिल करने के बाद अटैम्प्ट हम नहीं करते हैं तो क्या वो अकाउंट होता है या नहीं होता है तो एक बात मैं ध्यान से बोल बता दूं आपको अगर आपने फॉर्म फिल की है और आप पेपर में नहीं बैठे हो यू हैवेंट वेंट फॉर द एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन हॉल में जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें अटेंडेंस शीट पे साइन करना पड़ता है तो वो साइन आपकी बेसिकली एक तरह से आपके अटैम्प्ट काउंट होंगे या नहीं होंगे वो साइन मैटर करता है अगर आपने पेपर में गए हो तो वो साइन करोगे तो आपके अटेंडेंस बेसिकली मानी जाएगी और अगर आपने नहीं करा है तो वो आपके अटैम्प्ट नहीं मानी जाएगी ठीक है तो जनरल कैंडिडेट का सिक्स अटैम्प थर्टी टू ईयर्स ओ बी सी कैंडिडेट्स नाइन अटैम्प थर्टी फाइव ईयर्स एस सी एस टी इसको अटैम्प्ट की लिमिटेशन नहीं होती बच एज लिमिटेशन थर्टी सेवन ईयर्स होती हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो एज सच इनमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है अगर इनमें कुछ मेजर चेंजेज होंगे तो आपको देखने को मिलेगा ई डब्ल्यू एस के लिए seats है, but attempt, attempt कुछ सीट्स रिजर्व हैं बट उनमें एज सच अटैम्प्ट अटैम्प्ट कुछ बेसिकली वहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता ई डब्ल्यू एस को बस थोड़ी बहुत कट ऑफ में डिफ्रेंसेज होती हैं तो होप्स हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आप ऑलरेडी पहले पे भी पे पेपर दिए होंगे किसी ने मेंस लिखा होगा दोबारा प्रीलिम्स लिखेंगे किसी ने इंटरव्यूज दिया होगा दोबारा प्रीलिम्स देंगे कोई फर्स्ट टाइमर होंगे फॉर फर्स्ट टाइमर को ये बोलना चाहूँगा डू नॉट बेसिकली डू नॉट फील टू मच स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना है घबराना नहीं है क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको रोक सकती है आपने तैयारी करी है आपने पढ़ाई करी है डोंट वरी अबाउट दैट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड की स्टे मोटिवेटेड और आराम से तैयारी करते रहें घबराना नहीं है नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन आते हो घबराते हो नीड आराम से ठीक है हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज द टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो प्लीज डू अवेल अ टेस्ट सीरीज फॉर योरसेल्फ इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर फॉर योर सिमुलेशन ठीक है इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दम सी क्यूज इन ऑर्डर फॉर अटेम्प्ट यू नीड टू पॉजिटिवली अवेल अ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज लीजिए एंड सॉल्व एज मनी क्वेश्चन कैन एंड रिवाइज थ्रू द सॉल्विंग क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिवाइज करिए और इससे आपकी ओरिएंटेशन भी तैयार होगी आप टारगेट सेट करिए कि हाँ इस पेपर में मुझे वन ट्वेंटी लाना है और टारगेट सेट करके फिर ओरिएंटेशन आपके अटेम्प्ट की उस तरह से होगी तो वंस अगेन इफ यू हैव नॉट अवेल टेस्ट सीरीज काइंडली डू अवेल द टेस्ट सीरीज अगर अभिमन्यु मन की टेस्ट सीरीज आपने अवेल करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है कोर्सेज की वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू